कैसे आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और जो आप ये टैंक देख रहे हैं ये है बेसिकली हॉट वाटर टैंक। जब कोई हम लोग हीट पंप लगाते हैं, हीट पंप बोले तो पानी गर्म करने का मशीन लगाते हैं, तो उसमें जो कमर्शियल मॉडल होता है तो उसमें हमें टैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि पानी कहाँ स्टोर करेंगे। तो पानी जो स्टोर करेंगे बेसिकली ये टैंक है स्टील में, SS304 ग्रेड में बना हुआ ये, और इसके अंदर पूरा टेक्निकल वो चीजें हैं जो हमें हीट पंप के लिए चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टैंक नहीं चाहिए होता है। स्टील टैंक का जो होता है, जब आप कोई हीट पंप लगाते हैं तो उसमें कई तरह के चीजें, पॉइंट्स, होल, ये हमारा एलिमेंट लगने का स्पेस, एयर रिलीज वॉल लगने का स्पेस, सेफ्टी वॉल लगाने का स्पेस, तो सब कुछ होना चाहिए। तो ये उसके उस तरह से डिजाइन किया गया है। तो हम लोग सप्लायर हैं और हम लोग ये जो स्टील टैंक है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और बेसिकली हम लोग हॉट वाटर के लिए बनाते हैं टैंक, हम लोग नॉर्मल टैंक नहीं बनाते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आउटर लेयर है और इसके इनर लेयर भी हैं। इसके अंदर जो दो लेयर है स्टील का, देन बीच में पफ है। पफ इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हीट है अंदर का वो जल्दी पानी ठंडा ना हो जाए, इसलिए हम लोग पफ का यूज करते हैं। तो पानी इसमें 6 से 8 घंटा तक मेंटेन होता है, गर्म पानी होता है। तो हम लोग बेसिकली ज्यादातर जो मॉडल है रिकॉर्ड का, इसमें जिसमें कमर्शियल मॉडल आता है, तो हम लोग वो सप्लाई करते हैं। हम लोग जितने भी होटल हॉस्पिटल में कई जगह हम लोग ने लगाया है, काफी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किया है, तो ये बेसिकली उसके लिए यूज होता है ये। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो नीचे एक ड्रेन पॉइंट है, अगर आप पानी यूज नहीं होना है तो आप ड्रेन कर देंगे तो सारा पानी आउट हो जाएगा। इसके अलावा 3 पॉइंट उधर है, 2 पॉइंट इधर है, ऊपर भी एक दो पॉइंट है, सब टेक्निकल के हिसाब से है। हम लोग जितने भी बिल्डिंग बनते हैं उनमें हम लोग फ्री कंसल्टेंसी देते हैं। अगर आप मटेरियल हमसे बाय करते हैं तो हम लोग सारा गाइड करेंगे आपको फ्री में, पूरा प्लम्बिंग लाइन के बारे में गाइड करेंगे, कैसे कैसे प्लम्बिंग लाइन होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनता है तो हम लोग इंटीरियर का या एक्सटीरियर का ज़्यादा फोकस करते हैं, बट हम लोग जहाँ तक बात है प्लम्बिंग का, वो छोटा समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं कॉन्सेप्ट प्लम्बिंग का। बट सबसे ज़्यादा प्लम्बिंग पे फोकस करनी चाहिए। आप बिल्डिंग बना लिए, सब कुछ लगा लिया हाई एंड फाई, और कहीं आपका लीकेज हो गया बिल्डिंग में, या कहीं कुछ ऐसा चीज़ निकल आया जहाँ से पानी चूने लगा आपके घर में, तो फिर पूरा इंटीरियर आपका बेकार है उन चीज़ों पे। तो हम लोगों का मानना है कि जब प्लम्बिंग हो तो उस पर फोकस से काम कराया जाए। एक उस पर निगरानी टीम भी हम लोग रखते हैं कि क्या क्या काम हुआ लाइन पे नहीं हुआ, तो हम लोग ओवरऑल गाइड भी करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम लोग हैवल्स और रिकॉर्ड, अगर आप कोई नॉर्मल डोमेस्टिक बिल्डिंग बना रहे हैं आप जिसमें कि 300 लीटर या 500 लीटर का हीट पंप चाहिए या 200 लीटर का चाहिए, तो वो भी हमारे पास होता है। हम लोग बल्क सप्लायर हैं, दिल्ली में ऑलमोस्ट NCR में जहाँ भी मटेरियल जाता है वो हमारे यहाँ से जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारा वीडियोज़ हैं, अगर आपको ये भी जानना है कि वीडियो कैसे क्या होता है हीट पंप, तो आपको काफ़ी सारा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, लाइव हीट पंप है उसमें दिया हुआ, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। थैंक यू सो मच।